क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित दिए गए आयु वर्ष में एवं रक्तचाप मिमी में के विवरण के आयु व रक्तचाप के बीच संबंधांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आयु दिया है और यहाँ पर रक्त का सिस्टोलिक चाप यानी मिमी में दिया हुआ है, इस प्रकार से ये दिया है। अब इसको हम सवाल करते हैं। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस प्रकार से कोष्टक बना लेना है, उसके बाद हम इसको करते हैं। तो हमको ये देखना है कि ये कोष्टक क्यों लगाया है, इसकी भी हम गणना बताएंगे। तो सबसे पहले इसको टोटल करते हैं, तो इसका टोटल आता है 464 आ जाता है, और इसका टोटल करते हैं तो 1153 आ जाता है। ओके, अब हम ज्ञात क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स बार ज्ञात करते हैं। तो एक्स बार हमारे पास कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक्स बार ज्ञात करते हैं। तो एक्स बार ज्ञात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सिग्मा एक्स बट्टे में एन कितना है, 464 बट्टे में 8 बराबर कितना आ जाता है, 58 आ जाता है। अब हम बाई बार ज्ञात करते हैं, तो बाई बार ज्ञात करते हैं तो सिग्मा बाई बट्टे में एन, सिग्मा के बाई कितना आया था, 1153 आया था, और 8 से भाग देते हैं तो 144.125 आ जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पूर्णांक में आया है, यहाँ पर अपूर्णांक में आया है। पूर्णांक अपूर्णांक में जब आता है तब हम क्या करते हैं, और ये 50 से ऊपर है तो हम लोग UI का उपयोग करते हैं, UI वाले से यानी कि U से और V से ज्ञात करते हैं, विचलन की विधि से। तो विचलन की विधि से ज्ञात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ कितना लेंगे, तो सबसे पहले यह होता है कि A बराबर कितना लेना चाहिए, तो यहाँ हम इसको A मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना, 58 घटाना है। ओके, 58 घटाना है, और इसमें देखते हैं तो ये कितना है, 144 है, 144 है, तो हम इसको 100 जो आपकी इच्छा हो वैसा ले सकते हैं, 140 भी ले सकते हैं और 150 भी ले सकते हैं, इसके आसपास जितना हो सके उतना आसपास लेना है। तो मैं यहाँ पर 140 ले लेता हूँ, तो यहाँ 140 लिख देता हूँ। अब देखेंगे आगे तो क्या करना है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अब 58 घटाना है, तो 58 में से 58 घटाएंगे तो कितना आ जाता है, 0। अब 55 में से 58 घटाते हैं तो माइनस का 3 आ जाता है, और 65 में से 58 घटाते हैं तो माइनस का कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। 52 में से 58 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, माइनस का 6, और 48 में से घटाते हैं तो ये हो जाता है माइनस का 10। 68 में से 58 घटाते हैं तो प्लस का 10, और इसमें से घटाते हैं कितना गया, 68 में से घटा दिए, 62 में से घटाते हैं तो 4, 56 में से 58 घटाते हैं तो माइनस का 2, यहाँ पर 0 हो जाता है। अब 140 में से घटाते हैं, 140 घटाते हैं, 130 में से 40 घटाते हैं 100, तो हमारे पास माइनस का 10, 150 में से 40 घटाते हैं तो 10, यहाँ भी 10 आ जाता है, और यहाँ पर माइनस 10, यहाँ पर कितना करेंगे, 140 में से 40 घटाएंगे तो 0, 158 में से घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 158 18 आ जाता है। 155 में से 140 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 15, और 140 में से वो घटाते हैं तो हमारे पास 0 आ जाता है। अब हम इन दोनों का गुणा करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 0, और इसका इससे गुणा करते हैं तो माइनस का 30 आ जाता है, इसका इससे गुणा करते हैं तो माइनस का 70 आ जाता है, 10 का गुणा 0 से करते हैं और 6 का गुणा इससे करते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पर ये प्लस का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके, इसका इससे गुणा करते हैं तो 0, 10 का गुणा इससे करते हैं तो प्लस का 180, 4 का गुणा करते हैं तो प्लस का 60, और इससे 0 को गुणा करते हैं तो 0, यहाँ भी 0 होता है, यहाँ कितना हो जाता है, 33 हो जाता है, बराबर यहाँ हम 33 लिख देते हैं, इसका टोटल मारते हैं तो 33 आ जाता है, और यहाँ पर टोटल मारते हैं तो 340 आ जाता है। अब यू स्क्वायर ज्ञात करते हैं, यानी कि 0 का वर्ग करते हैं तो 0, 3 का वर्ग करते हैं तो 9, 7 का वर्ग करते हैं तो 49, और 6 का वर्ग करते हैं तो 36, 10 का वर्ग करते हैं तो 100, 10 का वर्ग करते हैं तो 100, 4 का वर्ग करते हैं तो 16, और 8 2 का वर्ग करते हैं तो 4, टोटल मारते हैं तो 314 इसका आंसर आ जाता है। वी स्क्वायर ज्ञात करते हैं, तो बी स्क्वायर हमारा ये है, ये 20 ज्ञात कर रहा है तो ये 100 हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ भी 100 हो जाता है, यहाँ भी 100 हो जाता है, यहाँ भी 100, यहाँ 0, 18 का करते हैं तो कितना हो जाता है,
तो 18 का करते हैं तो 324 आ जाता है, 225 15 का होता है यहाँ पर जीरो करते हैं तो उधर ये हो जाता है 949, इसका आंसर ये आ जाता है। अब हम आगे ज्ञात करते हैं, तो इस प्रकार से हमने कोष्टक पूरा ज्ञात कर लिया है। अब आगे करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे आर ज्ञात करते हैं। आर का सूत्र आएगा यहाँ पर एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू और यहाँ पर सिग्मा वी। अब इसके बाद हम यहाँ पर निशान लगाते हैं एन, तो यू स्क्वायर माइनस यू सिग्मा यू का होल स्क्वायर गुणा यहाँ पर लिखते हैं तो एन सिग्मा वी स्क्वायर यहाँ पर सिग्मा वी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। बराबर लिखते हैं यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ ये हो जाता है एन बराबर 8 है और ये बराबर कितना है 340 है बरोबर। उसके बाद हम लोग तो यहाँ लिखते हैं सिग्मा यू कितना आया है तो 0 और सिग्मा वी कितना आया है तो 33 आया है, ये 8 है अपना। अब हम यहाँ पर करते हैं तो ये है 8 और यू स्क्वायर कितना है तो यू स्क्वायर है हमारे पास 314 और यू कितना सिग्मा यू कितना है तो 0 है। अब यहाँ पर आगे करते हैं गुणा का निशान लगा देते हैं, यहाँ पर एन बराबर कितना है तो एन बराबर 8, सिग्मा वी स्क्वायर कितना है तो सिग्मा वी स्क्वायर है 949 है और ये कितना है तो ये हमारा आया है यू तो वी स्क्वायर कितना आया है तो 33 आया है। ओके तो 33 लिख देते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं तो इसका इससे गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है, इसका इससे गुणा करते हैं तो ये 2720 आ जाता है, इसका इससे गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है। ओके इसका इससे गुणा करते हैं 314 से तो कितना आ जाता है, 314 से हम गुणा करते हैं तो 2512 आ जाता है, 2512 ओके माइनस 0। इससे हम करते हैं 49 से गुणा करते हैं तो 7592 आ जाता है और ये 33 का वर्ग करना है तो 33 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाता है कि 33 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1089। ओके उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं इसमें से 0 घटाएंगे तो वही कोई आएगा तो 2720 लिखना है और उसके बाद इसमें से इसको घटाते हैं तो ये 2512 आता है। गुणा का निशान लगा देते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो 6503 आता है। अब इनका करना है इसको ऐसे ही उतार देना है, उसके बाद हमको क्या करना है इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है तो 1633 5536 बराबर। इस तरह से आप निकोमा लगा दोगे तो खबर पड़ जाएगा कितना है तो 1,63,35,536 आ जाता है। और अब इसका वर्गमूल करते हैं तो हम लोग इसका वर्गमूल करते हैं 2720 लिख दिया, इसका वर्गमूल होता है 4,041.72 और इससे भाग देते हैं तो यानी कि हमारे पास R बराबर आ जाता है 0.67। हमारे पास R कितना आया है 0.67 आया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तो 8वां सवाल है एक इंजीनियर एसोसिएशन अलग अलग फैक्ट्री में होने वाले उत्पादन एवं प्रति इकाई उत्पादन खर्च के बीच का संबंध जानने के लिए 6 फैक्ट्री के उत्पादन में एवं प्रति इकाई उत्पादन खर्च में निम्नानुसार सूचना प्राप्त होती है। उत्पादन दिया है 1,000 रुपये में, इस तरह से दिया गई है संख्या और प्रति इकाई उत्पादन इस प्रकार से दी गई है। अब हम आगे सवाल करते हैं, अब इसका टोटल मारते हैं तो हमारे पास टोटल इसका कितना हो जाता है 143 हो जाता है, इसका टोटल करते हैं तो 497 आ जाता है। हम एक्स बार ज्ञात करते हैं तो सिग्मा एक्स बट्टे में एन कितना है 143 है और बट्टे में हम लोग कितना रखेंगे तो बट्टे में हम लोग हमारे एन बराबर हमारे पास है यहाँ पर 6 है, एन बराबर 6 है, गिन लेते 1 2 3 4 5 6 ही है बरोबर। अब इसका भाग देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 23.83 आ जाता है। अब सिग्मा बाई बार ज्ञात करते हैं तो बाई बार हमारे पास सिग्मा बाई बट्टे में एन, सिग्मा बाई कितना है 497 लिखा है और बट्टे में हम लोग एन लिखते हैं यानी 6 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है 82.83 आ जाता है। दोनों अपूर्णांक में आए हुए हैं तो हम लोग यू मान लेते हैं, यू आई के सत्र से करते हैं क्योंकि 50 से भी अधिक है और वैसे भी हम लोग और दूसरी पद्धति से भी कर सकते हैं, सवाल का आंसर आ सकता है लेकिन जल्दी से जल्दी किस पद्धति से हो इसलिए प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसको सॉल्व करने से इस पद्धति से हमारा सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता है। देखते हैं कैसे करेंगे है। तो हम लोग यहाँ पर
मानते हैं, यानी ए किसको मानना है यहाँ पर, तो ए हम लोग किसी को मानते हैं यहाँ पर 23 है, ये किसके आसपास है, तो ये 23.83 है, तो ये 23 के आसपास है, 23 मान सकते हो आप, उसके आसपास की कोई भी संज्ञा मान के करोगे तो आंसर सही आएगा, मैं 23 मान लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं बी बराबर क्या मान लेता हूँ, 82.83 दिया है, तो अभी इसके अनुसार क्या लिखोगे, तो यहाँ पर 82.83 82 लिख सकते हो, बरोबर, यहाँ 80 लिखना तो 80 लिख सकते हो, यहाँ 23 लिखा यहाँ 24 भी ले सकते हो आप, बरोबर, तो यहाँ पर मैं 80 ले लेता हूँ, कितना लेता हूँ 80 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 80 घटाऊँगा और यहाँ पर 23 घटाऊँगा। अब जैसे ही मैं 15 में से 23 घटाता हूँ तो माइनस का 8 आता है, 20 में से 23 घटाता हूँ तो माइनस का 3 आता है, 35 में से 23 घटाता हूँ तो 12 आता है, और 24 में से 23 घटाता हूँ तो हमारे पास 1 आ जाता है, ओके। उसके बाद 18 में से 23 घटाता हूँ तो माइनस का 5, और 31 में से 23 घटाता हूँ तो 8 आ जाता है, और टोटल मारता हूँ तो कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। इसी प्रकार से 80 में से मैं 95 से 80 में 80 घटाता हूँ तो मेरे पास 15 आ जाता है, 90 में से 80 घटाता हूँ तो 10 आ जाता है, और 75 में से 80 घटाता हूँ तो माइनस का 5, 80 में से 80 घटाता हूँ तो 0, और 87 में से 80 घटाता हूँ तो प्लस का 7, और जिसमें से इसको घटाता हूँ तो माइनस का 10 हो जाता है, टोटल मारता हूँ तो इसका होता है 17। अब U और V का देखते हैं, तो इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये 15 8 120 हो जाता है, और 10 3 30 हो जाता है, 12 5 60 हो जाता है, बरोबर, और 0 का 0 7 5 35 हो जाता है, और 80 हो जाता है यहाँ पर, 10 8 80, -325 इसका आंसर आ जाता है। अब स्क्वायर करते हैं तो 8 का वर्ग होता है 64, 3 का वर्ग होता है 9, और एक 12 का होता है 144, 1 का होता है 1, 5 का वर्ग होता है 25, और 8 का वर्ग होता है 64, टोटल मारते हैं तो 307 आ जाता है। अब V का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 15 का वर्ग करते हैं तो 15 का वर्ग होता है 225, और इसका वर्ग होता है 100, इसका वर्ग होता है 25, और इसका वर्ग होता है 0, और 7 का वर्ग होता है 49, इसका वर्ग हो जाता है 100, इसका करते हैं यहाँ पर तो 499 इसका इतर आता है। आगे हम करते हैं, अब R बराबर ज्ञात करते हैं, तो R बराबर हमारे पास यहाँ पर सूत्र लगाते हैं n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u गुणा सिग्मा v, वर्गमूल में हम लिखते हैं n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर, गुणा करते हैं n गुणा सिग्मा v स्क्वायर माइनस ई वी का होल स्क्वायर बराबर। अब हम क्या करते हैं, एन कितना है मेरे पास, तो यहाँ पर गिन लेता हूँ कितना है भाई, 6 है तो 6 यहाँ पर लिखता हूँ, और यू भी कितना आया है मेरे पास, तो माइनस का 325 आया है, तो माइनस का 325 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिग्मा यू बराबर 5 है और सिग्मा वी बराबर 17 है, यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ और वर्गमूल में लिख देता हूँ, तो वर्गमूल में यहाँ 6 है, यू स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पर यू स्क्वायर है यहाँ पर 307, और होल स्क्वायर यू सिग्मा यू कितना है तो 5 है, 5 का होल स्क्वायर कर दिया, गुणा 6 का 6, और यहाँ सिग्मा वी स्क्वायर कितना है तो 307 399 है, 499 सॉरी, और माइनस वो कितना है तो 17 का होल स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं इनका गुणा करते हैं तो 1950 आता है, 1950 माइनस 17 5 85 आ जाता है, और यहाँ पर 307 का गुणा करता हूँ इससे तो ये 1842 आ जाता है, और 5 और यहाँ पर करता हूँ मैं तो यहाँ पर मैं करता हूँ 5 का वर्ग करता हूँ तो 25 हो जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इसका इससे गुणा करता हूँ तो ये 2994 आ जाता है, और 17 का वर्ग 289 आ जाता है। अब हमको यहाँ पर करना है, इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2000, दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ जाएगा, 2035 माइनस का ये कितना हो जाता है 1825, तो ये है 1842 में से 25 घटाते हैं
तो ये आता है 1817 आ जाता है, और गुणा इसका इसको में से घटाते हैं तो 2705 आ जाता है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इनका गुणा कर देते हैं आपस में, और इस गुणा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही वर्गमूल का निशान दबाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2210.26 ऐसा आ जाता है, और उससे भाग देते हैं तो r बराबर हमारे पास आ जाता है, हमारे पास हमने क्या लिखा था कि हमने ज्ञात किया इनका गुणा करना, जैसे ही वर्गमूल का निशान दबाते हैं तो ये आ जाता है, और उसके बाद हम लोग इससे भाग देते हैं तो हमारे पास माइनस का 0.92 आ जाता है, यानी उत्पादन और उत्पादन खर्च के बीच में घनिष्ठ ऋण सहसंबंध गुणांक है। आप इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।